हम सबके लिए और एक एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। हिंदुस्तान की टीम 17 साल के बाद विदेशी धरती पर जाकर विश्व विजेता बनी है। मैं रोहित शर्मा जी को, पूरी इंडिया टीम को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से, देश के करोड़ों लोगों की ओर से। और बहुत अच्छा है, इंडिया जीते, इंडिया को जीतना ही चाहिए, इंडिया जीतता ही रहेगा, इंडिया जीत रहा है, राजनीति का खेल हो चाहे क्रिकेट का खेल हो। देखिए ऐसा है कि जो मैंने आपको वो जानकारी दी जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में खड़गे साहब के यहाँ तय हुआ था, तो अगर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के विपरीत कोई राय अगर उनकी राज्य इकाई रख रही है तो इस पर जवाब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग देंगे, मैं क्यों बोलूँगा। अगर राहुल गांधी जी की राय के खिलाफ, खड़गे जी की राय के खिलाफ किसी राज्य इकाई की राय है, वो चाहे दिल्ली की हो या किसी राज्य इकाई की हो, कोई फैसला अगर सामूहिक रूप से इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया है तो उसके विपरीत जाकर राज्य इकाई दिल्ली की क्या कह रही है, इस पर उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। दिल्ली में जहाँ जहाँ जल भरा हो रहा है वहाँ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, और आपने देखा होगा स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हुई हैं। और ब्लेम गेम में पड़ेंगे तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि NDMC का एरिया शांति पथ, वहाँ पर नाव चल सकती थी, इतना पानी भर गया। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि राम गोपाल यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो अपने सहयोगियों के सहयोग से बाहर निकाले गए घर से, इतना पानी उनके घर में भर गया था। ये सब NDMC एरिया में आता है। चलिए उसका ब्लेम गेम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं ये सब। जहां हमारी जिम्मेदारी हम काम करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जिस चीज का उद्घाटन करते हैं वो गिर जा रहा है। मेरठ के सड़क का उद्घाटन किया, वहां गड्ढा हो गया। बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वहां गड्ढा हो गया। बिहार में पुल का उद्घाटन किया, वो टूट के गिर गया। जबलपुर का टर्मिनल गिर गया, दिल्ली का टर्मिनल गिर गया, उसमें लोगों की जान चली गई। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? राजकोट गुजरात का टर्मिनल गिर गया, अटल सेतु टूट गया, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, आप जाके देखिए हालत वहां पे। पहले तो आपने हजारों घर तोड़ डाले लोगों के, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया, उनकी गरीबी पे बुलडोजर चलाया, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया, मंदिरों पर बुलडोजर चलाया। आप तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं? आपने प्रभु श्री राम की नगरी को तहस नहस कर दिया। 30,000 करोड़ रुपए विकास के नाम पे आपने वहां पे खर्चा किया। क्या हुआ पहली बारिश के अंदर? क्या हुआ पहली बारिश के अंदर? आप सब कुछ तो छोड़ दीजिए, प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी गिर रहा था और प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी ने इस पे अपनी आपत्ति जाहिर की। और मैं कौन शख्स हूं? पहला वो व्यक्ति जिसने देश के अंदर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया था। मैंने अयोध्या की कोतवाली में तहरीर दी थी FIR के लिए कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उठाकर देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, कम से कम भगवान श्री राम को तो छोड़ दो। लेकिन वही बड़ी बड़ी बातें, देश को आपने गुमराह किया, राम को हम लेके आए हैं, हमको लेके आओ, हम भगवान हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, हम अवतार हैं, हम परमात्मा हैं। तो आप इंसान को तो बेवकूफ बना सकते हैं प्रधानमंत्री जी, भगवान को आप मूर्ख नहीं बना सकते। भगवान ने आपके साथ न्याय कर दिया। अयोध्या में आप लोगों ने राम मंदिर में भ्रष्टाचार किया, राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी की, अयोध्या आपको भगवान श्री राम ने हरा दिया, सीतापुर हरा दिया, रामपुर हरा दिया, श्रावस्ती हरा दिया, प्रयागराज हरा दिया, सुल्तानपुर हरा दिया, प्रतापगढ़ हरा दिया, कौसाम्बी हरा दिया, चित्रकूट हरा दिया। जहां जहां से प्रभु श्री राम होकर गुजरे हैं, राम पथ गमन मार्ग, सब जगह बीजेपी का सफाया हो गया। आप लोग भगवान को भी नहीं बख्श रहे? तो पूरे देश में जहां भाजपा है वहां भ्रष्टाचार है, जहां भाजपा है वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्रवाई है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड
इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, टर्मिनल गिर जाए कोई नहीं बात नहीं, हमको इलेक्टोरल बॉन्ड दो, सड़कें टूट जाए कोई बात नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दो, पुल गिर जाए 150 जान चली जाए, चाहे 1500 जान चली जाए, चाहे मोरबी का पुल गिर जाए, चाहे बिहार का पुल गिर जाए, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका उन कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम भाजपाइयों ने किया। चंदा दो धंधा लो, ये इसी स्कीम के तहत चारों तरफ ठेके दिए गए और पहली बारिश में ही पुल धड़ाम, टर्मिनल धड़ाम, सड़क धड़ाम, एक्सप्रेसवे धड़ाम, सब धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अब अंतिम में 1 मिनट 23 सेकंड आपका लूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात बंद करूंगा। बहुत अच्छा विषय आपने दिल्ली के पानी का उठाया, मैं आपको दिखा रहा हूं ये 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, देखिए। आपको बता दें क्या अयोध्या की दुर्गति, अभी प्री मानसून की बारिश नहीं है जबकि मानसून आना भी बाकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 26 से 29 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। सोचिए जब मूसलाधार बारिश होगी तो रामनगरी के वर्ल्ड क्लास सिटी वाले दावे का क्या होगा। अब आपको दिखाते हैं अयोध्या में किस प्रोजेक्ट पर कितने पैसे खर्च किए गए। एयरपोर्ट पर 1,450 करोड़ रुपए खर्च हुए, रेलवे स्टेशन पर 724 करोड़, अयोध्या रिंग रोड पर 4,793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 1,140 करोड़ रुपए, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 1,140 करोड़ रुपए, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 773 करोड़ रुपए, राम पथ पर 787 करोड़ रुपए, टाउनशिप पर 2,180 करोड़ रुपए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज पर 245 करोड़ रुपए। अब सवाल ये है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर को बनाने के लिए देश के जाने माने और वर्ल्ड क्लास इंजीनियरों से राय ली गई, तो क्या अयोध्या नगरी के विकास को सिर्फ जेबें भरने वाले ठेकेदारों के जिम्मे छोड़ दिया गया। सवाल तो राम मंदिर की छत से पानी टपकने पर भी उठा, हालांकि इसका जवाब श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट ने दे दिया। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी छूने लगा, अंदर पानी भर गया था। सुन लिया आपने, पहली वर्षा में ही प्रभु श्री राम मंदिर के गर्भगृह में पानी गिरने लगा। तो भाजपाइयों से पूछिए इतना भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, भगवान के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।